मादा है, मादा। फिर एक दिन ये अंदर तुझे टाइगर याद है तो केले में लपेटना चाह रहा है ये काला है भाई जी, काले रंग का है, दूसरा ही काला है। सांप को पकड़ लिया गया, सावन का महीना है और सोमवार का दिन है। हम सब पांडे जी और ये सब हम लोग मंदिर जा रहे थे, थोड़ा सा ये मैं आगे चला गया, पीछे हो गए थे। ये धर्म पत्नी भी साथ में थी, देखिए ये तो देखो कितने डर रही है, डर के मारे साथियों ये हमारे क्षेत्र का दुर्लभ हिमालय साधक कैट स्नेक, ये हल्का जहरीला सांप होता है काफ़ी, इसमें अगर काट ले तो आदमी बच जाता है। और ये पहाड़ों से आजकल बह बह के हमारे क्षेत्र में सांप आ रहे हैं। इस सांप की खासियत है कि इसको मैं जहाँ भी छोड़ूंगा ये पेड़ पर ही चढ़ेगा, ये ज़मीन पर रहने वाला सांप नहीं है। इसको कैट स्नेक इसलिए कहा जाता है, इसकी आँखें इतनी बड़ी बड़ी होती है, इसलिए इसको कैट स्नेक कहा जाता है। सांपों से बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें, सांप की सूचना आप 108 को दें, वन विभाग को दें, हमें दें। बिट्टू भाई जी ने सूचना दी मुझे कि मेरे घर में सांप निकल गया है, मैंने भी बिना समय गंवाए यहाँ पहुँच गया। छोटे छोटे बच्चे मुझे लग रहे हैं गोद में और जंगल का किनारा है, डर तो डर ही होता है, परंतु जिस तत्परता से इन भाइयों ने सांप का ध्यान रखा है, ऐसे ही अगर ये सभी सांप का ध्यान रखें तो सभी सांप भी बचे रहेंगे और इंसान ही बचा रहेगा। कौन सा था भाई जी, क्या नाम? ये कट कटा है, ले लो ना छोटा बड़ा, देख एक और तो नहीं, देखो जरा छोटा और तो नहीं भाई, धरा की इतने इन रोहंगा थी मेरी बात क्या क्या दीवार पर चढ़ने में चढ़ने बहुत तेज है। सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। सांपों का ना मारे, ना ही किसी को मारने दे। अठारह से लेके 20 साल इसकी उम्र है, खतरा तो बहुत होता है इनके साथ, परंतु भैया ने कहा फन दिखा दो, ये बोलेगी जी फाड़ रहा हो ठीक है, जहर जहर जो टेल देख ले, गले में डालना, फोटो खिंचवाने की जाओ देख लो भाई, बहुत मिसल आए, ये बहुत बड़ा सांप है, बहुत मिसल आए, इससे बड़ा सांप है, साथियों आज सुबह सुबह ही सूचना मिली कि किसी की दुकान पर जाकर बैठ गया, सोकर उठते चल दिए, आज
प्राकृतिक वास में छोड़ा जाएगा। ये बिना जहर का सांप है और प्रकृति को बचाए रखने में इसका बड़ा योगदान रहता है। डॉक्टर साहब ने, परंतु इसका कोई पता नहीं किस समय दांत मार दे, बिना जहर का है, इसको थोड़ा सा रिलैक्स मिला। दरुन से कहाँ से आप पत्ता भाई में इतनी जल्दी? अब चले जाते हैं दरुन साहब पकड़ने, उसी मुहिम में हम लगे हुए हैं। और अब ये हरकत तो भी ठीक ही ठाक है इसकी, परेशान हो रखा है साहब भी, हम भी परेशान हो गए थे। इसको पकड़ लिया गया, बंद ही ना तो दुर्गन्ध होता। हेलो हाँ, आइए आगे 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 आगे। ये अगर इसको थोड़े अगर समय मिले तो हमारा हाथ तोड़ भी सकता है। इसको पकड़ लिया गया, अब इसको इसके प्राकृतिक में छोड़ जाएगा। सांपों से बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें, सांप की सूचना आप एक स्वाड को दें, वन विभाग को दें, हमें दें, आप से हम छेड़छाड़ ना करें। यार लग रहा था कि तो ये कम तकड़ा है, ये तो निकलेगा हाथ में से, हाथ से निकल रहा है यार, ने तो हाथ से ही पकड़ लिया। ये कपड़े रंग कर रुको भैया, बाप यार बाप के तो हो गया। मंदिर है, मैंने कहा पता लगा और आ गए दो चार, उनका स्थान है यहाँ। ये बिल्कुल नीचे नहीं था। और एक इसकी खासियत यह है कि इसको मैं जहाँ भी छोड़ूंगा ये पेड़ पे ही चढ़ेगा, जमीन पे नहीं रहता सांप ये। अभी अगर कोई मेरी वीडियो वगैरह देखता है तो देखना, ये सांप जो है पेड़ पे ही रहेगा। और ये देखिए इसकी हरकत है, रुको भैया सांपों से बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें, सांप की सूचना एक स्वाड को दे, वन विभाग को दे या हमें दे, आप से हम छेड़छाड़ ना करें, खतरा हो सकता है। बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें, सांप की सूचना एक स्वाड को दे, वन विभाग को दे या हमें दे, खतरा हो सकता है, क्योंकि ये बिना जहर का सांप है, डर तो बहुत रहता है। ये किसानों का मित्र, प्रकृति का मित्र सांप है, जितनी भी चिड़िया